मध्य प्रदेश में अब तक कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं थी, या जो थी वो भी प्रदेश के एक क्षेत्र तक सीमित थी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ काफी कुछ नया नजर आ रहा है। प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए बना संगठन सपाक्स अब सपाक्स पार्टी हो गया है। सरकार से अपने अधिकार मांगने के लिए बना संगठन जय आदिवासी युवा संगठन अब चुनाव लड़ रहा है। इस श्रृंखला में एक और नया नाम जुड़ने वाला है। भक्तों को भगवान की कथाएं सुनाने वाले देवकी नंदन ठाकुर ने भी पार्टी बना ली है। 29 को इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। SC ST एक्ट के खिलाफ आंदोलन में उतरे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जातियों को अनुसूचित करने के खिलाफ है। ठाकुर ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी MP में भी सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी लड़ेगी। बुधवार को अखंड भारत मिशन के राष्ट्रीय महासचिव विजय शर्मा ने भोपाल में मिशन के कार्यालय शुभारंभ के मौके पर इसकी घोषणा की। पार्टी का नाम और चिन्ह की घोषणा देवकी नंदन ठाकुर 29 अक्टूबर को भोपाल में करेंगे। वे इस दिन भोपाल समेत प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वर्ण समाज पार्टी अभी नहीं बनाया है। अभी हम लोग छोटे छोटे पार्टी जितनी भी सब जगह पर कार्य कर रही हैं क्षेत्रीय भाई, उनको एकजुट होने का कार्य कर रहे हैं और उनके एकजुट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अखंड भारत मिशन के अंदर में सभी पार्टियाँ आएंगी और वो जो पार्टी का नाम घोषणा होगा वो महाराज जी स्वयं आकर 29 तारीख को या 28 तारीख को वो खुद भोपाल में आकर प्रेस वार्ता करके पार्टी का नाम चुनाव चिन्ह घोषणा करेंगे और उसी के अंडर में सब हम लोग जितनी भी पार्टियां हैं वो सब लोगों उनको निवेदन करके उनको साथ में लाया जाएगा। और क्योंकि हम लोग अलग अलग बटेंगे तो हम लोग बहुत बिखर जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी सबका गुस्सा इसलिए उन्होंने पार्टी बनाई, इसलिए वो मैदान में उतरे, लेकिन उनको चीज़ों को साथ में लाने के लिए जब उनको पता चलेगा कि स्वयं महाराज जी ने पार्टी बना चुके हैं। MP विधानसभा चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है। BJP जहां 15 साल बाद चौथी बार सत्ता पाने की कोशिश में है, तो कांग्रेस अपना 15 साल का वनवास खत्म कर सत्ता वापसी की कोशिश में है। लेकिन SC ST एक्ट संशोधन के चलते इस बार राज्य में जातीय समीकरण गड़बड़ा गए हैं। ऐसे में दोनों बड़े दलों की राह आसान नहीं होगी। वहीं पहली बार राजनीति के अखाड़े में उतर रही कथावाचक देवकी नंदन जी ठाकुर की पार्टी MP में क्या कमाल कर पाती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है।